क्या रिएक्शन है आपका रानी जी को मस्तराम में देखकर? सच बताऊं तो मैंने नहीं देखा, आप बिलीव करें मैंने मिर्जापुर पार्ट वन नहीं देखा है। आपको नहीं पता इस इंटरव्यू के बाद क्या होने वाला है, बहुत जल्द मस्तराम तक भी पहुंच जाऊंगी। भोजपुरी की काफी अभिनेत्रियां भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जा रही हैं, अगर आपने देखा होगा तो रानी चटर्जी जी हैं, उन्होंने मस्तराम में काम किया। हाँ, तो क्या रिएक्शन है आपका रानी जी को मस्तराम में देखकर? सच बताऊं तो मैंने नहीं देखा, मैंने वो सीरीज नहीं देखी है क्योंकि मैं कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने कुछ दिन पहले जियो का 999 वाला एक पैकेज डाउनलोड कर मतलब लिया है, जिसके अंदर मुझे कुछ 15-16 ओटीटी प्लेटफॉर्म मिले हैं। तो मैं अभी धीरे धीरे करके अभी मैंने सीरीज, आप बिलीव करें मैंने मिर्जापुर पार्ट वन नहीं देखा है, तो अभी मैंने धीरे धीरे सारी सीरीज देखना स्टार्ट किया है। सीरीज की तरफ अब मैंने 2-3 दिन से देखना स्टार्ट किया है, तो उम्मीद करते हैं मैं बहुत जल्द मस्तराम तक भी पहुंच जाऊंगी। चलिए ठीक है, हम भी उम्मीद करते हैं कि मस्तराम 2 आने के पहले मस्तराम फर्स्ट जरूर देख लें, क्योंकि देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, रानी चटर्जी का किरदार भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं अभिनेत्रियों का, भोजपुरी इंडस्ट्री से अभिनेत्रियों का वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ जाना बहुत बड़ी बात अपने आप में ही है। ठीक है, तो जाते जाते बस इतना सा बता दें कि भाई अब क्या चल रहा है दिमाग में? मेरे दिमाग में कुछ चलता ही नहीं है धर्म, नहीं कुछ नहीं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए मैंने अपना दिमाग भर दिया है। ओके, तो फिल्म में देखेंगे हम, या फिर मैं वापस से इंटरव्यू करूंगा आपका नेक्स्ट बार, या हम कौन सा पटाखा? नहीं, अब तो आप मेरे से इंटरव्यू कर सकते हैं। कर सकते हैं जी जी, मैंने क्योंकि ये मेरा आई थिंक फर्स्ट इंटरव्यू होगा काफी टाइम के बाद। बिल्कुल, माइट बी 1 साल के बाद आई थिंक मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। यू आर लकी धरा। थैंक यू वेरी मच। आपको नहीं पता इस इंटरव्यू के बाद क्या होने वाला है, क्या होने वाला? क्या होने वाला? लाइक आप प्रियंका पंडित को लेके आए, आपको पता है? बहुत बड़ी बात है, सीरियसली। नहीं, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका इंटरव्यू में आने के लिए, और धमाके से तो आपका धर्म नहीं डरता, क्यों? तो जाते जाते अपने फैंस, अपने दर्शकों को अगर आप कुछ कहना चाहें। जी, पहले तो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतने सालों में इतना प्यार दिया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरे अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ जो लोग भी हैं, थे और आगे रहेंगे, मैं उन लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें, ट्रस्ट करें, और होप सो वापस मैं आऊँगी वैसे ही धमाके के साथ। और जितने भी लोग मुझे कहते हैं कि मैं आपका डांस हम लोग बहुत मिस करते हैं, उम्मीद करती हूँ वापस से उतने ही बूम के साथ आऊँगी। प्रियंका से कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आप तक जवाब पहुंचा दिया जाएगा, इस बात की गारंटी देंगी ना जवाब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो गारंटी के साथ इस वीडियो का समापन, फिलहाल नमस्कार, हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रियंका पंडित और आप सब देख रहे हैं देसी भारत, और अगर मुझसे की हुई बातचीत अगर आपको पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।